अतिशय महत्वाचा तो विषय आहे आणि त्याबद्दल त्या बोलतीलच सकाळच्या सेशन मध्ये इंग्लिश मीडियम क्योंकि जब उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तब उनकी बच्ची 9 महीने की थी और एक माँ को जब ये पता चलता है कि यू नो शी इज हैविंग अ थर्ड स्टेज लेकिन एक औरत शायद वहां डर जाती लेकिन एक माँ मजबूती से खड़ी हुई और खुद को सर्वाइवल किया फॉर हर बेबी. जब ये उन्होंने गो थ्रू किया तब उन्होंने डिसाइड किया इट इज द अवेयरनेस विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू अवॉइड कमिंग इन दिस ट्रॉमा क्योंकि आसान नहीं है यहां से वापस निकलना. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है. तो बच्चियों को माओं को इसमें जूझना न पड़े, उसमें आसानी से मलई की तरह वो निकल जाए, इसलिए क्या किया जा सकता है. तो हमने डिसाइड किया कि विल डू द अवेयरनेस, जन जागृति करेंगे. जब हमने जन जागृति का बात किया तो लोग हंस पड़े. क्या होता है जन जागृति से? बहुत टिंगल दवाई क्रिटिसिज्म हुआ, क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग जवाब दोगे अवेयरनेस से क्या हो सकता है. ये नाम सुना है आपने, जेफ बेजोस, ये नाम सुना है आपने? किसी ने नहीं सुना? एनी स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स दिस साइड? कॉमर्स स्टूडेंट्स है? यहाँ पे कोई कॉमर्स में जाने वाला स्टूडेंट है? कॉमर्स वाणिज्य मध्ये कोण जायची इच्छा नाही आहे? सगळे सायन्स ला जाणार का बरं? कॉमर्स में जाऊ. जेफ बेजोस नाम मालूम नाही है. अमेझॉन सुना है? कितने लोगों ने अमेझॉन सुना है? सब लोगों ने अमेजोन सुना है. क्यों सुना है अमेजोन? घर तक पहुंचाता है ना, होम डिलीवरी देता है. जो चीज हम उंगली रखे वो घर तक पहुंचा देता है. उसको चुड़ी ना पता, ना चुनरी पता, ना टीका पता, ना कुछ पता, लेकिन आप तक पहुंच देता है. ना रॉ मटेरियल है, ना उसके पास कारखाना है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ही डिलीवर्स एट योर प्लेस ऑफ योर विश. जो आप चाहते वो आप तक पहुंचाता है. तो अमेजोन सबको पता है, एवरीवन नोज अमेजोन. या उसके बाद 27 सोर्स ऑफ इनकम है. इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बाय ओनली डूइंग पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. कुछ कुछ मिठा के बनाता है क्या? ये चुनरी दुपट्टा साड़ी खुद बनाता है क्या? नहीं. ही जस्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, एक प्रणाली पे, सिस्टम पे काम करता है. आपको जो चीज चाहिए आप तक पहुंचाने का काम उसका है और उससे क्या कमाता है? वो पैसे कमाता है. एंड ही इज अ रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. याद रहेगा जेफ बेजोस, बाय ओनली इंफॉर्मेशन इफ यू कैन बी द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. यस, बाय इंफॉर्मेशन वी कैन बी रिचेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली. एक मजबूत सिटीजन बन सकते हैं हम, कोशिश करेंगे. या ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट द 28 एजुकेशन सिस्टम इज कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग. इज अ 7 स्टैंडर्ड, सातवां सितारा बना के उसको ये एजुकेशन सिस्टम देना है. ये क्यों देना चाहता है? ये महागुरु बनना चाहता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, ताकि लोग कौन से भी कारखाने में जाए, कौन से भी कॉर्पोरेट में जाए, वर्ल्ड में कहीं भी जाए, तो उसको वो क्या समझे? एक एजुकेशन का महा मेंटर, एक गुरु समझे. इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, एक प्रणाली में आ रहा है. बाय एजुकेशन यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ एंड यू कैन रियली एनहांस योरसेल्फ. आप खुद को अच्छा बना सकते हो. पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. जब हमने ये डिसाइड किया कि वी डू द जन जागृति, अवेयरनेस करेंगे, तब डॉक्टर संदीप बिप्टे, ही इज द 4th रैंकिंग डॉक्टर ऑफ इंडिया, ही इज अ सर्जन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ही इज द पर्सन हु इज अ रियल मेंटोर और हु इज अ रियल एंजल फॉर ऑल दोज वुमन एंड मदर हु वॉन्ट्स टू सेव देयर ब्रेस्ट. क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं, तो गांठ निकाल दो या तो ब्रेस्ट निकाल दो. कौन सा ऑप्शन अच्छा है? गांठ निकालना कि ब्रेस्ट निकालना?
ब्रेस्ट इज अ प्राइड ऑफ अ लेडी एंड अ मैन ऑल्सो, तो वो जितना बचाया जा सके उतना बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो निकाल दे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका बॉडी सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा. सो ही सवाल हम एक साथ काम कर रहे हैं ताकि महिलाओं को तकलीफ न हो, ब्रेस्ट कैंसर का जो रेशो है वो हम कम कर सके और जितनी बचा सके उतनी हम महिलाओं की ब्रेस्ट बचा सके, उसका मदरहुड उसका प्राइड हम बचा सकेंगे. ये जब गांठ पैदा होती है या तो जो भी हुई हुई है तो वो अच्छी भी हो सकती है, मतलब बिना तकलीफदायी और तकलीफदायी भी हो सकते हैं, वो तो कैसे समझे. इसको बहुत जरूरी है. और ये एक आदमी का काम है क्या? इज इट अ वन पर्सन जॉब? नो, इट इज टुगेदर एज अ ग्रुप एज अ टीम. वी कैन वर्क टुगेदर अंडरस्टैंड और एक दूसरे की मदद से हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को बचा सकते हैं. आज की वुमन कैसी है? सुपर पावर. प्रोफेसर यहां बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? घर पे बच्चा पहुंचा क्या, उसने खाया, खाना खाया क्या, शाम को सब्जी क्या बनानी है, कल बच्चों को क्या पढ़ाना है. बैक ऑफ द माइंड महिलाओं के बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन यस वी आर पावरफुल, वी कैन हैंडल एवरीथिंग एज अ सुपर वूमन. लेकिन उसके लिए संतुलित क्या होना चाहिए? हमारी बहुत सारी जीवन शैलियों की चीजें संतुलित होना बहुत जरूरी है, उसमें से स्पेशली हार्मोन्स. कितने लोग हार्मोन्स ये शब्द जानते हैं? हाथ ऊपर करें. हार्मोन जानते हो? या ये क्या है? हार्मोन क्या है? ऑर्गन है क्या? कोई नहीं है तो क्या है? और व्हाट इज इट? ट्राई. व्हाट इज इट? हार्मोन क्या है? हार्मोन्स क्या है? संप्रेरक है, लेकिन क्या है वो? आपका कंप्यूटर है. कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है. अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए तो वो कंप्यूटर काम करेगा? तो हार्मोन्स क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको कैसे रहना चाहिए? बैलेंस, नहीं तो वो वायरस गया तो गड़बड़ करेगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा. दे आर एंजल्स, योर मैसेंजर्स. आपके पैर को अगर कांटा छूता है तो एक मैसेज जाता है, आउच. कुछ करते हो ना, कुछ तो करते हो ना, फीलिंग आता है ना. सो दैट इज अ मैसेंजर कि आपके साथ कुछ घटना घटी है. सो दैट रिप्लाइज बैक, रिस्पॉन्स बैक. तो आपके पूरे शरीर का वो मैसेंजर की तरह काम करता है. लेकिन ये मैसेंजर अगर सही नहीं रहा तो आपका स्वभाव कैसे हो जाता है? चिड़चिड़ा, इमोशनल हो जाता है और डर महसूस करते हैं, या तो वी डोंट हैव अ फाइटिंग मोड, एक कुछ करने की जिज्ञासा भी मन में नहीं रहती. एज अ सुपर पावर, एज अ सुपर वूमन, वी नीड टू बी रियली बैलेंस हार्मोन्स. अभी समझ में आया हार्मोन्स क्या है? याद रहेगा, इट्स अ सॉफ्टवेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली गर्ल्स के लिए. बॉयज में भी हार्मोन्स है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं महिला ये हार्मोन्स का यानी रासायन का कारखाना है. अभी हंस पड़ेगी तो कभी रो पड़ेगी, कुछ भी करेगी, करती है ना, मजा आता है ना, आता है ना. अप्स एंड डाउन स्विंग्स, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, पर दैट्स द लास्ट ऑफ द लाइफ. लेकिन अगर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, स्ट्रेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, हमने कुछ शरीर से खिलवाड़ किया, तो क्या होगा? अर्ली बैकेक हो सकता है, आपको मेनोपॉजल मेनस्ट्रुअल इश्यू हो सकते हैं, संधिवात आर्थराइटिस हो सकता है, जाड़ापन यानी मेद शरीर में जमा हो सकता है. ऐसे नहीं सिर्फ शरीर फूल गया, तो ऑर्गन्स भी अंदर से, आप पतले दिखाई देते हो लेकिन अंदर ऑर्गन अगर फूले हुए से ना फैटी लिवर हो जाता है. सो दैट इज ऊपर से नहीं, अंदर का मामला क्या है वो बहुत जरूरी है. सो दीज आर द अलर्टनेस, दीज आर द मोर रिस्की थिंग, यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और आगे बढ़ना है. Why we are worrying right now? If you see the ratio of this, we won't see the other metros of the world, India, but we see the Mumbai. Mumbai में क्या है? जो cervical cancer है, cervical cancer पता है आपको? गर्भाशय मुख का cancer होता है, uterus का cancer होता है.
तो उसमें हमारा रेशो डाउन हो गया, मतलब हमने उसपे विजय हासिल की, हमने उसपे इम्प्रूवमेंट की बाय अवेयरनेस, बाय इम्प्रूविंग आवर पर्सनल हाइजीन। मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, शायद बहुत नहीं आएगा, लेकिन वो शब्द आपके वहां से गुजरने बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपको कुछ जानना रहेगा तो डेफिनेटली द प्रोफेसर्स कैन हेल्प यू आउट इन दैट। लेकिन इफ यू सी द रेशियो ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, इट इज गोइंग वेरी मच अपवर्ड। ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है। और आज यहां पे हम क्यों अवेयरनेस कर रहे हैं? जो मुंबई का ग्राफ जो बढ़ता दिखाई दे रहा है वो हमको क्या करना है? नीचे करना है। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है वो हम समझेंगे। विजन 2030, इट इज नारी सुखाय कुटुंब सुखाय। अगर एक महिला घर की जो बैकबोन है, शी इज अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हाउस, तो उसको अगर हमने मजबूत किया, उस नारी को, उस माँ को, उस बच्ची को, भावी माता जो है उसको अगर हमने मजबूत किया, तो वो फैमिली और वो सोसाइटी, वो समाज भी हम मजबूत कर पाएंगे। लगता है आपको कर पाएंगे? पॉसिबल है? सो लेट्स टेक वन ट्रिप। टेक ऑफ करने के लिए रेडी है? बेल्ट ऑन हो गया? yes. आधा घंटा चलेगा? सभी गांठें जो ब्रेस्ट में आती है वो कैंसरियस नहीं होती। जस्ट रिमेम्बर 90-95% ऑफ द नॉट्स, द नॉटी नॉट्स विच कम्स इन द ब्रेस्ट आर बिनाइन, मतलब वो हार्मफुल नहीं होती। लेकिन उसमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप समझ नहीं पाओगे कि वो हार्मफुल है कि नहीं है, वो आपको आपके मेडिकल चेकअप से ही पता चलेगा, लेकिन यू नीड टू बी अलर्ट। इससे डरना नहीं है, तो ये समझना जरूरी है कि कोई यहाँ पे मेहमान आया है क्या। अगर वो गलत मेहमान है तो उसको हमको भगाना है। भगाएंगे? रखेंगे कि भगाएंगे? भगाएंगे। ओके, सो इफ यू सी द नेशनल, इंटरनेशनली अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में 8 में से 1 महिला को रिस्क है, जो लाइफ टाइम रिस्क है, 12 में से 1 बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। एंड इंडियन कल्चर में देखा जाए तो रूरल एरियाज में 60 महिलाओं में 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन आज यहां पे सेशन लेने की जरूरत क्यों है? इफ यू सी इन अर्बन एरियाज इट इज 30 में से 1 को चांसेस है। मतलब हमारा रेशो जो है फीमेल का अर्बन एरिया का वो ज्यादा है। मतलब यहां पे अगर 30 महिलाएं बैठी है तो उसमें से 1 को चांस है, तो वो जो 1 है उसको भी हम बचाना चाहते हैं। बचाएंगे? या इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज जो हुआ है, उस वजह से आज ये मेहमान, गलत मेहमान हमारे यहां आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करें? पहले का हमारा जो लाइफस्टाइल था, रहन सहन, खाना पीना, यू नो व्हाट एवर वी वर्किंग, वो सब अलग था। आज एक जगह पे है, इट इज वेरी क्लोज मैटर में होता है, ओपन एरियाज में नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत दबाव की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आज हमको ये फेस करना पड़ रहा है। लेकिन रियलाइजिंग द ट्रेंड्स ऑफ दैट, कि ये रिस्क हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द नॉमिनल इकोनॉमिकल हम कहेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर। कितने कैंसर्स है मालूम है आपको? शरीर में कितने कैंसर्स हो सकते हैं? यू हैव एनी? कितना? एक नंबर आप बोलिए कि कितने कैंसर हो सकते हैं। आपको बताए, ब्रेन में होता है, स्टमक में होता है, different different organs you get different different cancers, okay? The breast cancer is one of the nominal cancer, बहुत सामान्य cancer है। ऐसे कितने cancer है जो human body को छू सकते हैं? 250, out of that सिर्फ एक ही है कि जो बहुत nominal है, लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा सबसे ज्यादा deaths ये breast cancer से होती है। शर्माना, आगे नहीं आना, ट्रीटमेंट नहीं लेना, और पहली चीज हार्मोन्स को इम्बैलेंस करके रखना।
तो सर्वाइवल अपने यहाँ बहुत कम है और वो ही हमको बड़ा नहीं. इफ यू सी द सर्विक्स एंड ऑल द अदर कैंसर्स आर वेरी लिटिल कंपेयर टू द ब्रेस्ट कैंसर. सो वी नीड टू रियली लुक एट इट एज अ मेजर इश्यू एंड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. आप देखोगे कि 2008, 9, 10 और एक्सपेक्टेड 2025 अभी क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, दो साल है हमारे पास. हाउ मेनी इयर्स? 2 इयर्स. कैन वी फाइट विद इट? या कैन वी डू आवर बैलेंसिंग प्रॉपरली? या तो ये जो रेशियो है 40-45% हम जा सकते हैं मुंबई में, और हमको क्या करना है, वो रेशियो क्या करना है, नीचे लाना है. By awareness, we can together as a team, we can definitely do it. And अगर अभी से शुरू कर देंगे तो achievement will be faster. We need not to wait for the 2025. As per the statistic, as a team, we need to go together. ये ब्रेस का आराखड़ा, anatomy हम कह सकते हैं, ये अंदर से चीज कैसे है वो दी हुई है. एक female breast हमने ली है, ये मांसल है, फ्लपी है, तो बचने के चांसेस ज्यादा है. लेकिन इफ यू सी अ बॉय एंड अ मैन, उनको ऐसे फ्लपी ब्रेस्ट है क्या, उनके बचने के चांसेस क्या है, कम हो जाते हैं. सो वी नीड टू बी अलर्ट फॉर द ब्रदर, फादर एंड द सन ऑफ आवर फैमिली. ब्रेस्ट राउंड है क्या, इज इट गोलाकार, पृथ्वी की तरह गोलाकार है क्या? नो, इट इज लाइक अ कॉमेट. इट इज वो धूमकेतु, समझते हैं आप, धूमकेतु सुना है, कॉमेट सुना है ना, तो वो धूमकेतु की तरह है. इट इज नॉट जस्ट राउंड, इट इज टिल योर आर्मपिट, आपके आर्मपिट तक वो जाता है. जब आप स्क्रीनिंग करते हो, चेकअप करते हो, तब आपको सिर्फ गोलाकार रोटेटिंग नहीं देखना है, आपको आर्मपिट तक देखना है. क्यों देखना है? क्योंकि अगर वो गलती से आर्मपिट में आया तो वो आपके ब्लड में से पूरे शरीर तक पहुंच जाएगा. इट इज मोर रिस्की टू हैव द लंग इन द आर्मपिट. समझ में आया, क्लियर? या सी द चांसेस ऑफ गेटिंग दैट लंग इन द आर्मपिट इज मोर रिस्की, और वहां के चांसेस 50% है और यहां के चांसेस लेस है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ इट. रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो फर्स्ट थिंग इज मेल और फीमेल. कितने लोगों को पता था कि मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? जस्ट गिविंग गुड स्माइल. पता था कितने लोगों को पता था कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को नहीं, आदमियों में भी होता है? किसी को पता था? लेकिन ये राइजिंग स्टेज पे है. तो मेल एंड फीमेल बोथ हैज ब्रेस्ट, सो बोथ ऑफ देम गेट्स द ब्रेस्ट कैंसर, बट ज्यादा परसेंटेज फीमेल्स में है, मेल का परसेंटेज अभी बढ़ रहा है. रिलेटिव अगर आपके घर में है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, लाइक योर मदर, योर सिस्टर और मदर सिस्टर, जो आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, परिवार की हिस्ट्री है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं. मेनिस्ट्रुअल इशू है, मतलब आपको मेनार्की, पहला जो पीरियड आता है, पहले 14-16 साल में पीरियड आता था पहले, लेकिन अभी बच्चिया 8-9 साल में भी पीरियड आना शुरू हुआ है. इसका मतलब अर्ली ऑन सेट द मेनार्की अर्ली हो जाती है, जल्दी हम परिपक्व हो जाता है, वुमनिज्म में प्रवेश करते हैं, उस वक्त रिस्क बढ़ जाता है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? या और लेट मेनोपॉज, मतलब आपका वुमनिज्म लैंडिंग होता है, आपका यूट्रस का सर्कुलेशन का टाइम ओवर होता है, वो मेनोपॉज का टाइम है, वो अगर बहुत प्रोलॉन्ग हुआ, लॉन्ग हुआ, तब भी वहां ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको मेनोपॉज पता है? मेनोपॉज पता नहीं है. मैंने कांदिवली में एक सेशन लिया था, कॉलेज के स्टूडेंट थे, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द बीएससी आईटी स्टूडेंट्स. आई वॉज टेकिंग अ सेशन, आई टेक डिफरेंट डिफरेंट सेशन, तो उनके लिए जो सेशन था वो था सुपोषण. सुपोषण में आई टच द टॉपिक कॉल हार्मोन, और उसमें मैंने मेनार्की टू मेनोपॉज, ये भी आपने सुना नहीं होगा शायद, मतलब वुमनिज्म आना और वुमनिज्म को लैंडिंग करना.
when I was I went on talking about it, 250 के ऊपर students थे, girls and boys together, because matured थे, तो मैंने professor को कहा था कि together बिठा दो, हम एक साथ session लेंगे. More than 250 students were watching that presentation. उसमें से एक लड़का जो बहुत अच्छे घर का दिखाई दे रहा था, जब मैंने ये मेनोपॉज के लिए बात करना शुरू कर दिया, he went on crying. और आई कुड सी दैट ही वॉज लिटरली विपिंग, वो आंसू पोंछ रहा था, उसके आंसू संभल नहीं रहे थे. पूरा सेशन होने के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हैव आई बाय व्यवहार और वाणी से मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कहा, बिकॉज दैट्स माई यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क हिम, कि मैंने कुछ गलत चीज तो आपको नहीं कही कि आप इतना रो रहे हो. तो सर नो, ये सेशन पहले होना चाहिए, क्योंकि मुझे मैनार के और मेरे पास के बारे में कुछ भी पता नहीं, ना मेरी माँ ने कभी बात की, घर में बहन नहीं है, इकलौता लड़का है, और किसी ने किस चीज के लिए कभी भी बात ही नहीं की. मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो, तो बोला जो माँ मेरे लिए कुछ मांगे बिना हाथ में देती थी, आज मैं कितने बार में मांगू मुझे झिड़कार दिए, शी इज नॉट बिहेविंग राइट विथ मी. और उसका पता मुझे आज चला. When I was requiring my mother, she was there for me. But today mother requires me and I was unaware of it. होता है घर पे ये? The mothers are going through the mood swings. जो हंसी हुई माँ है अचानक से रो पड़ती है, या तो एकदम tantrum हो जाती है, अरे तेरे को बोला था ये जगह पे रखने के लिए नहीं. So that's a mood swings of hers. That's a harmonic balance. That's the time she requires you. जब आप छोटे थे तब उसने आपको हैंडल किया था, अभी उसकी बारी है कि आपको उसको हैंडल करना. करेंगे या विल सैल्यूट हर मदरहुड, या तालियां होनी चाहिए माँ के लिए. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द लेडी, कि वो वहां से गुजरती है, पूरा अपना करियर, बच्चे का करियर, घर देखना है, समाज में प्रेजेंट करना है, एवरीथिंग शी इज गोइंग थ्रू, और लोगों को पता ही नहीं होता व्हाट इज मेनोपॉज. और अब हम समझने लगे हैं व्हाट इज हार्मोन्स एंड व्हाट डिफिकल्टी शी इज गोइंग थ्रू. सो हमको माँ को सपोर्ट करना है. चाइल्ड बर्थ, अभी तो 30 तक तो हम पढ़ाई करते, फिर लड़का देखना, फिर शादी होना, बच्चे होते होते 35-40 हो जाता है. But as per the nature, you are supposed to have your first baby before 25. क्योंकि 25वां आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तब आप ओल्ड एज की तरह निकल जाते हो, ऑर्गन स्टार्ट गेटिंग ओल्डर. तो पहला बच्चा 25 के पहले और दूसरा बच्चा 30th के पहले. ऐसा होता है क्या? नहीं हो रहा है मुंबई में. सो मोर वी आर फाइंडिंग दिस वेरी डिफिकल्ट कि ब्रेस्ट कैंसर को हम लैंडिंग हो रहे हैं. तो अर्ली एज में आपको बच्चे बच्चों को संभालना है. यू हैव टू गिव अ चाइल्ड बर्थ बिफोर 30th, ट्राई नॉट 25, एटलीस्ट 30 के पहले होना चाहिए. रेडिएशन, कितने लोगों को पता है कि 5G आने वाला है या तो आ गया है? कितने लोग यूज कर रहे हैं 5G? 5G कितने लोग यूज कर रहे हैं? तुमसे लंबा रहना पड़ेगा, क्योंकि हेवी रेडिएशन वहां पे मिलेगा. यस, अगर ये हॉल में हम कितने 50 लोग बैठे हैं, अगर 50ों के पास भी 5G है तो यहां पे कितना रेडिएशन होगा? क्या हमारी ह्यूमन बॉडी रेडी है इसके लिए? हम फोन में एंटीवायरस लगाते हैं, लैपटॉप में एंटीवायरस लगाते हैं, खुद के लिए एंटीवायरस लगाया है? लगा सकते हैं. समझेंगे कैसे लगाएंगे? सिंपली लाइफस्टाइल. और ब्रेस्ट में जो भी डिजीज होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैंसरस होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कैंसरियस नहीं है. तो आपको ट्रीटमेंट की सही एक्टिविटी, कितने लोग करते हैं? वॉक के लिए जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे कोई है? जिम को जाता है, कितने लोग जिम को जा रहे हैं? तू भी क्या करता? वॉक ला जाता, योगा, ओके. एनीबडी इन जिम? आप जिम जाता? होम वर्कआउट्स, वेरी गुड. सूर्य नमस्कार कितने लोग कर रहे हैं? योगा, मेडिटेशन, योगा करते हो आप?
हर रोज करते हो, गुड गर्ल। और वॉकिंग के लिए कितने लोग जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं कि लिफ्ट है फिर भी मैं तीन माला रहता हूं तो मैं चढ़ के जाऊंगा और उतरूंगा, ऐसे कोई है? खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। शिवाजी पार्क में नए चेहरे दिखाई देते हैं ना तो समझ नहीं आता है डॉक्टर ने बोला है ब्लड शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तर ते अळवावरचं पाणी असतं ना, ते पाऊस पडल्यानंतर अळवावर पाणी येतं, ऐसे हिला दिया तो निकल जा, 15 दिन में गुल। ऐसे मत करो, तब तक लोग नहीं जाते वॉकिंग के लिए जब तक डॉक्टर नहीं बोलता है, तब जाया करो जब तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखना है, तब योगा करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, आपके तीन माले चढ़ना उतरना, वॉक करना, थोड़ा नजदीक में जाना है मत टैक्सी लो, मत वो ओला उबेर को बाय बाय करो, वॉक इट आउट, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन ट्रीट योर बॉडी। फिजिकल एक्टिविटी जितनी रख सकते हो उतनी रखा करो, डांस करना है तो डांस भी कर सकते हो, अच्छा सा म्यूजिक लगा दो और बिंदास करके नाच भी सकते हो, नचा भी सकते हो। हाँ, इट इज वेरी कंटेजियस, कंटेजियस है ना, आप गाते हो तो दूसरे को भी गाने का मन होता है, आप जब हिलाते हो तो दूसरे को भी हिलने का मन होता है, सो इट इज मोर कंटेजियस, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग एज यू नो, पूरा एंटायर बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी अच्छा है, ओपन एयर में वॉक करा करो, बाहर निकल के एटमॉस्फेयर को खुद को दे दो। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद की बॉडी के जितनी एक्सरसाइज कर सकते हो उतनी मूवमेंट एक्सरसाइज करो। जापानीज पीपल 120 साल जीते, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सरसाइज, एक ही जगह पर बैठे नहीं रहते, दे कीप्स ऑन मूविंग, जितना बॉडी मूवमेंट में रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्मोकिंग ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स जो कॉर्पोरेट्स में दिखाई देते हैं स्मोक करते, इट्स नॉट गुड, इट इज हार्मफुल टू योर बॉडी, ये आपकी आदत आपको एक दिन डुबा सकती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि स्मोकर नहीं बनना है और स्मोकर के आजू बाजू में भी घूमना मना है। एल्कोहल कभी कभी पार्टी में पीना ठीक है, लेकिन शायद अगर चस्का लग गया, आनंद मिल गया, तो वो गलत चीज आपको गलत स्टेप तक लेके जा सकती है, सो इट इज ऑलवेज बेटर, विषाचा पेला है तो इट इज अ पॉइजनस थिंग, वी नीड टू बी अवे फ्रॉम इट। कितने लोगों ने आज तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है? आज सा पीरियड 2 दिन के बाद चाहिए, ऐसा कोई किया? 3 दिन के बाद पीरियड चाहिए, नहीं अर्ली चाहिए ताकि मैं वो फंक्शन अटेंड करूं, मैं खुशहाल रहूं, पार्टी एंजॉय कर सकूं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज बैड फॉर हार्मोन्स, एक बार भी अगर ये पी ली ना तो आपका हार्मोन्स क्या हो जाता है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, आप कुदरत के ऑपोजिट जा रहे हो, तो आपके बॉडी का संतुलन जो है वो एक बार की पिल से और एक बार के इंजेक्शन से डिस्टर्ब डाउनडोल हो जाता है और वो लाइन पे लाने के लिए बरसों बीत जाते हैं, सो यू कैन अवॉइड टेकिंग पोस्टपोनिंग एंड प्रीपोनिंग ऑफ द पीरियड्स। करेंगे ये, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? या मतलब पार्टी ला जैसा है, कोई त्योहार है, कोई ये है, एग्जाम है, हाँ गर्ल्स हैपेंस दैट वे कि नहीं 12वीं की एग्जाम है, 10वीं की एग्जाम है तो मैं कैसे करूं? झांसी की रानी ने कभी विचार नहीं किया होगा, लड़ाई है, मेरे को पीरियड्स है तो मैं नहीं जाऊंगी, उस वक्त कुछ भी ऑप्शन नहीं था, दे हैड सच अ पावर इनसाइड, तो जो भी है उस वक्त फेस करके उससे मलय से निकल सकते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइफ, सो वी कैन आराम से वी कैन कम आउट ऑफ इट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक आपका मेनिस्ट्रेशन आपका पीरियड सही है तब तक कोई डिजीज डिसऑर्डर आपको छुएगी तक नहीं, ऊपर वाले को धन्यवाद देना, और पीरियड्स 26 दिन के होने चाहिए, इफ दैट कम्स इन 26 डेज के बाद आ रहा है तो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को धन्यवाद देना कि ही हैज गिवन यू अ पावरफुल ह्यूमन लाइफ, तब तक हार्ट अटैक नहीं, कैंसर नहीं, कुछ नहीं। करेंगे ये, दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम ऊपर वाले ने हमको देके रखी है। एचआरटी के बारे में जानते हो आप? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी,
माइकल जैक्सन सबको पता है, तो उसको क्या रहना था, यंग रहना था, मतलब 60 के उम्र में 40 का दिखना था और 40 के उम्र में 20 का दिखना है। चाहते हो आप ऐसे? HRT जब हम इंजेक्ट, बोटॉक्स और वो सब आपने सुना होगा शायद, या व्हेन दे इंजेक्ट एंड डू इट, वो क्या करते हैं, आपके हार्मोन से खिलवाड़ होता है, तो फिर यू गेट मोर प्रोन टू द कैंसर, आप कैंसर के लिए प्रोन हो जाते हो। सो दैट हैज टू बी अवॉइडेड। फैशन के हिसाब से मत कीजिएगा, अगर मैं 50 की हूं तो 50 का ही लुक अच्छा है, यू फील नाइस एट दैट एज। अगर मैं 20 की हूं तो 20 का लुक अच्छा है, मैं जब 60 की होंगी तो मैं 60 का लुक भी अच्छा रखना है। एवरी फ्रेज एंड टाइम यू गो थ्रू इज अ एंजॉयबल थिंग अंटिल अनलेस यू एंजॉय दैट, नॉट द अदर्स। कितने लोग कच्चा फूड खाते हैं, अन्न खाते हैं, सलाद खाते हो कच्चा, आधा कच्चा वाला कितने लोग खाते हैं, हाफ कुक फूड। चाइनीज कितने लोग खाते हैं, वो पका हुआ नहीं, उनका कच्चा और हाफ कुक रहता है, वो कितने लोग खाते हैं। लाल वाला चाइनीज नहीं होता है, सफेद खाते, मुंह में डाल तक नहीं सकते। लेकिन वी आर एज एन इंडियन वी हैव आवर प्लेट इज फुल ऑफ ग्रीन, इतना हरा भरा प्लेट हमको मिलता है, लेकिन उसमें से हम कितना लेते हैं, बहुत थोड़ा लेते हैं। कितने लोग चपाती खाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करो सो एक्सरसाइज हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है, मैं ही देखूंगी। चपाती सब लोग खाते हैं, बनाने के लिए आसान है लेकिन पचाने के लिए डिफिकल्ट है। कितने लोग भाकरी खाते हैं, ज्वारी बाजरी नाचनी, सगड़े तालियां होनी चाहिए। बनाने के लिए शायद पहले आपको दिक्कत होगी, बाजरा भी रोटली ज्वार भी रोटली वॉट एवर, तो ये शायद वेल वी आर डूइंग प्रिपेयरिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा, बट बॉडी अब्सॉर्प्शन इसका फास्ट करती है, एनर्जी इसकी ज्यादा बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़ाती है। तो खाएंगे ज्वारी बाजरी नाचनी खाएंगे, और ग्रीन खाएंगे, हरा भरा खाएंगे कि लाले लाल चटकदार, वो चाइनीज है ना, मर जाएंगे इधर आके, वो चाइनीज भेल देखेंगे ना तो पागल सटिया जाएंगे, पागल हो जाएंगे कि लोग लाल चाइनीज कैसे खा सकते हैं। और चाइना में भेल भी ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू विजिट चाइना दिस नथिंग, इट इज आवर साइकोलॉजी एंड आवर मार्केटिंग ट्रेड वी हैव डन इट, बट इंडो चाइना यस, बट वी कैन मेक इट मोर मॉडर्न बट येट अ मोर यू नो यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, कर सकते हैं। इफ यू सी द ऑल सेलेब्स ना यूट्यूब, सबको पता है यूट्यूब यूज करने का, वो अच्छे क्यों दिखते हैं और अच्छे क्यों लगते हैं, सेलेब क्यों है, उनका सुबह का नाश्ता ना ग्रीन से शुरू होता है, मेथी चबाते हैं, पालक चबाते हैं, रॉ खाते हैं। उनका अगर ब्रेकफास्ट का डिश देखे ना तो एक कंट्री से उनका फ्रूट आता है, दूसरे कंट्री से उनका नट्स आता है, तीसरे कंट्री से उनका ऑयल आता है और चौथे कंट्री से उनका सलाद आता है। लेकिन हम इतने नसीब वाले हैं कि हमारे पास सब कुछ भरा भरा है, लेकिन ओनली इट इज आवर डिसीजन, निर्णय हमको लेना है। भाकरी कितने लोग खाएंगे, अभी सब लोग खाएंगे, मी शिकवे बर कशी बनवाई शिके। नॉनवेज कितने लोग खा रहे, नॉनवेज खा कभी कभार खाते या तो हर रोज खाते, कितने लोग चिकन खाते, कोबड़ी कॉको, आपको पता है डाइजेशन के लिए कितना टाइम लेता है चिकन, कितना लॉन्ग टाइम, चार दिन कुकुट पालन इधर होता है, कोबड़ा इधर कॉक कॉक कर सच्चा नहीं, इसलिए भूख कम लगती है चिकन खाने के बाद। जिसने एनर्जी देखी ही नहीं है, ब्रॉयलर जब आप खाते हो ना, जस्ट इमेजिन करो जिसने एनर्जी ही नहीं देखी है वो आपको एनर्जी देगी क्या? जो गाउटी चिकन है वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन जो ब्रॉयलर और जो मॉडर्न चिकन आप खा रहे हो, जिसने एनर्जी ही नहीं देखी, सूर्य प्रकाश नहीं देखा, सोलर सिस्टम पैनल नहीं देखा, वो आपको एनर्जी देगी नहीं। फिश कितने लोग खाते हैं, ये समुद्र में तैरता है तो एनर्जी लेता है,
तो आपको एनर्जी देगा, ओमेगा देगा, आपके हार्ट को, आपके किडनी, लिवर और पूरे सिस्टम को मजबूत रखेगा. ओबेसिटी अगेन इज अ थ्रेट. ओबेसिटी ये ऊपर से जड़ापन नहीं है. आप वो गलत फहमी में मत रहो कि मैं ऊपर से बहुत पतली हूं तो मैं एकदम सुंदर हूं. आपका अंदर का ऑर्गन कैसा है? आप पतले हो, अंदर फैटी लीवर है, चलेगा? आप समझते फैटी लीवर क्या है? किडनी फुली हुई है, आपका वो लीवर फुला हुआ है. सो दैट फैटनेस दैट मेन हैज टू बी डाइल्यूटेड फॉर एंटायर बॉडी. आपका पूरा शरीर चाहिए. जेनेटिक इश्यू मतलब घर में, परिवार में किसी को कैंसर छू चुका है, हो चुका है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सतर्क रहना है. डरने से कुछ नहीं होगा, सतर्क रहने से हम अच्छे से निकल सकते हैं. फिर वो कोई भी पीढ़ी हो, उस बच्चे रहेंगे, उनके पोते रहेंगे, पोता पोती रहेंगे, कोई भी हो, आप अच्छे से निकल सकते हो. मैंने एक सेशन किया था पुलिस स्टेशन में, गोरेगांव में. तब सेशन के बाद वो महिला पुलिस ऑफिसर मेरे पास आई, बोली ये सेशन अगर मैं पहले जानती थी तो शायद 11 साल का लड़का जो आज कैंसर पीड़ित है वो नहीं होता. क्योंकि उसके ससुर को कैंसर था तो उसके हस्बैंड का वो चेकअप करती करती गई और उसकी ननन का भी वो चेकअप करती रही, लेकिन वो भूल गई कि वो बीच में की जनरेशन छोड़ के वो कैंसर सेकेंड जनरेशन में भी आ सकता है. 11 साल के लड़के का वो चेकअप नहीं की और फिर बाद में पता चला थर्ड स्टेज वो 11 साल का बच्चा अटैक हुआ. सो जेनेटिकली यू नीड टू बी केयरफुल. आपको टेस्ट करनी जरूर, डरना नहीं है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है. डरोगे आप? डरने की जरूरत है नहीं. बहुत सारे बिलबुलाए मेहमान हमारे यहाँ आते रहते हैं. फाइब्रॉइड्स है, इन्फेक्शन है, सिस्ट है, पहले भी आते थे, पहले जमाने में भी आते थे, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल वैसे थी कि उस मेहमान को मेहमान नवाजी नहीं होती थी, भगा के निकाल देते थे. अभी भी हमको लाइफस्टाइल चेंज करके इनको अपने घर पे लौटा देना है. लौटाएंगे? शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो आज हम देखेंगे. ये एक फल का टोकरा है, फ्रूट बास्केट है. फ्रूट समझते हो? फल खाते हो? फल कितने लोग खाते हैं? सच्ची बोलना, अपने से कितने लोग खाते हैं और मम्मी खिलाती है इसलिए कितने लोग खाते हैं? मम्मी खिलाती है इसलिए कितने लोग खाते हैं? बिचारे तिला मुला खाला घाला वाट खाता, ऐसा है फोर्स बाय मम्मी. मम्मी के लिए ताली होनी चाहिए क्योंकि वो चाहती है कि आप मजबूत रहो. ये फ्रूट का टोकरा है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस ब्रेस्ट में आ सकते हैं. दीज आर द स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ आर ब्रेस्ट कुड बी टर्न्ड आउट इफ देयर इज सम रॉन्ग थिंग हैपनिंग विद आर ब्रेस्ट. ये चेंजेस है, रेडनेस आ सकता है, या तो डिस्चार्ज होगा, नीला, सफेद, पीला, कोई भी रंग का डिस्चार्ज है ना, नॉट टू वरी. बट अगर आपके अंतर वस्त्र पे रेड डिस्चार्ज है तो फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू टॉक टू योर पेरेंट्स. आपके फैमिली से अगर हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को बात करना है एंड इमीडिएटली दे आर सपोज टू टेक द मेडिकल सपोर्ट. क्योंकि दैट इज अ वेरी हाई अलर्ट फॉर द इंडिकेशन फ्रॉम द इनसाइड बॉडी दैट यू नीड मोर अटेंशन टू योर बॉडी. समझ में आ रहा है? या मैमोग्राफी, ये नाम कितने लोगों ने सुना है? मैमोग्राम एंड मैमोग्राफी. हाथ ऊपर करूंगा, अच्छा लगता है देखने को. मैमोग्राम सुना है आपने? मैमोग्राफी सुना है? सोनोग्राफी सुना है? कितने लोगों ने सोनोग्राफी सुना है? सोनोग्राफी ही है लेकिन मैमोग्राम, मैमोग्राफी ब्रेस्ट की ही जाती है, मतलब ब्रेस्ट में अंदर कुछ गड़बड़ है क्या. अभी बारिश शुरू होने से पहले जब बादल आए तब आपको क्या लगा? अभी क्या होने वाला है? बारिश होगा. तो ये घने बादल है क्या? ये देखने के लिए मैमोग्राम और मैमोग्राफी होती है. डरने की जरूरत है क्या? हाँ, थोड़ा पेनफुल है लेकिन इतना भी पेनफुल नहीं है कि जान आप गवा बैठो. तो आपको मैमोग्राम जरूरी है. व्हाट इज मैमोग्राम?
ये मंकी भी रीड कर सकता है, इसको भी समझ में आता है मैमोग्राम क्या है। अगर काले बादल दिखाई दिए तो समझ जाना कोई अनचाहा मेहमान आने वाला है। मैमोग्राम में 2 साल पहले, कितने साल पहले, 2 साल पहले पता चलता है कि कोई गलत चीज ब्रेस्ट में होने वाली है कि नहीं। इज इट अ गुड टाइम खुद को संवारने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को संभल के निकलने के लिए? ये सही टाइम है कि पहले से हमको पता चले। 10वीं में जाने से पहले आप 8 स्टैंडर्ड में थे तब समझ में आता है 10वीं में पढ़ाई करनी है, तो 8वीं से दौड़ शुरू करते। तो 2 years prior यू गेट टू नो दैट देर कुड बी अ पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये डॉक्टर के लिए तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर संदीप बिप्टे इज डन, इज ऑन्को सर्जन है और इन्होंने यूके से पढ़ाई की है, 4th ranking डॉक्टर है ये इंडिया के, और ये चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर न हो। अगर हुआ तो सिर्फ वो नॉट निकाली जाए और वुमन का प्राइड जगह पे ठहरा जाए, क्योंकि अगर ब्रेस्ट निकाली, और कोई पहचान वाला है जिसके ब्रेस्ट निकाली है? पहचान योर आंट आस्कर हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कुड सॉरी शी डाइड ओके इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उनका बहुत डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन सिस्टम, और उसके पहले मोरल ऑफ द लाइफ, एक साइकोलॉजिकल डिप्राइविंग जो उनके मन में रहता है ना, वो एक दूसरे को मिलना नहीं चाहती, वो घर में ही सिमट के रह जाती है, वो समाज में जाना पसंद नहीं करती बिकॉज शी फील दैट शी इज समथिंग शी इज लूजिंग, वो सेल्फ प्राइड उनका निकल जाता है। सो ही इज अ मैन हु इज सेइंग टेक अ सेकंड ऑप्शन, टेक अ सेकंड ओपिनियन, यू मस्ट सेव द ब्रेस्ट इफ इट्स पॉसिबल। समझ गया? सिर्फ वो नॉट निकालनी है, ब्रेस्ट बचाना है। सो यू गॉट ऑनर्ड बाय आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फॉर सेविंग मेनी मदरहुड एंड सेविंग मेनी प्राइड्स ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया। इसको पहचानते हो? कितने लोगों ने इसका पिक्चर देखा है? वेरी डैशिंग लेडी, इवन आई वॉच, मजा आता है। आयरन लेडी ना, लोहा महिला, इसकी मां को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उन्होंने जब टेस्ट किया तब समझ में आया शायद, नॉट रियली नेसेसरी बट शायद इनको हो सकता है, और ये 6 बच्चे की मां है तो उनको 6 बच्चों को बड़ा करना है, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये दोनों ब्रेस्ट निकाल देंगे और ओवरीज निकाल देंगे। आसान है क्या? बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप हीरोइन है। आसान है एक ऑर्गन निकाल के फेंक देना? मजा लगा होगा उसको, लेकिन एक मां ने किया। हम कर सकते हैं? उसके बदले हम लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बदलाव ला सकते हैं? या बायोप्सी सुना है आपने? बायोप्सी सुना है? 17 बार वो जाड़ी निडल उसमें पोक की जाती है, खून निकाला जाता है, वो मांस का लोथा निकाला जाता है, क्या चाहिए वो डॉक्टर निकाल के देखते हैं ताकि इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। ये आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है। जिसने बायोप्सी गो थ्रू की है ना, यू कैन आस्क दैट पर्सन, इट इज बेटर टू चेंज द लाइफ स्टाइल, बेटर या कीमोथेरेपी। जितने वायर्स और हैंगिंग्स और पाइप्स इधर दिखाई दे रहे ना, उससे बहुत गुना ज्यादा पेनफुल है। ये लाइक लावा रस शरीर में लेना है। आपके सिर्फ कैंसेरियस सेल्स नहीं, कोशिकाएं नहीं, तो आपके अच्छे वाले सेल्स को भी ये खत्म करके आपको क्या कमजोर बना देता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है पता है आपको? हेयर फॉल सिर्फ इधर पे जाते हैं कि एंटायर बॉडी, आपका पूरा शरीर गुलगुलित हो जाता है, एक भी बाल नहीं बचता। इट्स वेरी पेनफुल, ट्रस्ट मी, इट इज मोर डिप्राइविंग ऑल्सो, एक सोशली आप थोड़ा मन ये हो जाता है। रेडिएशन सुना है आपने? या ये सब चीज क्यों दिखा रही हो पता है? लाइफस्टाइल एनी टाइम बेटर देन दिस, यू अग्री विथ मी? या चेंजेस रेडिएशन में, जब दैट लेडी गोज टू द रेडिएशन, घर में आके वो कपड़ा तक हम शरीर में नहीं रख सकते, इतना जलन होता है अंदर से, कितना भी एसी घुमा लो।
और खाने का मन नहीं होता है। खाने में कितना भी नमक डालो स्वाद मुंह में नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं केमोथेरेपी रेडिएशन के वक्त खुदकुशी कर लेती है क्योंकि दे कैन नॉट द बॉडी द इमोशंस उनकी साइकोलॉजी ये बेयर नहीं कर पाती। केमो लेते लेते वॉशरूम में जाके लाइफ को बाय बाय कर देती है। दैट्स नॉट द वे। बट बहुत सारी माताएं झूझती है क्योंकि उसके सामने सिर्फ उसका घर उसका परिवार और सबसे पहले उसका बच्चा दिखाई देता है तो वो झूझने के लिए तैयार होती है। उस माताओं के लिए तालियां होनी चाहिए। रेडिएशन इज वेरी पेनफुल। द साइड इफेक्ट ऑफ इट इज प्रोलॉन्ग एब्सोल्युटली लॉन्ग टाइम। सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इजी। आप खुद आराम से सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी ऊपर वाले ने आपको ह्यूमन बॉडी कैसे दी है तो जो दो चीजें दी है वो इक्वल लेवल की दी है। दो आंखें समान है, दो कान समान है, ये नोजल भी समान है, दोनों हाथ समान है, पैर भी समान है, अंदर की किडनी भी दो है समान है, ब्रेस्ट भी इक्वल है। आपको सिंपल स्क्रीनिंग में बोलती हूं, सिंपल पीरियड के पांचवें दिन या अगर आदमी है तो महीने का एक दिवस डिसाइड कीजिए, या तो मेनोपॉज हो गया है तो महीने का एक दिवस डिसाइड कीजिए, नहाने के बाद आईने के सामने दो हाथ ऊपर करके आप देख लीजिए आपका ब्रेस्ट एक तराजू में है क्या, एक लाइन में है क्या। अगर एक लाइन में है तो क्या करना है, ऊपर वाले को धन्यवाद देना है कि उसने अंदर से अपना शरीर मजबूत रखा है। लेकिन अगर तराजू ऊपर नीचे हो गया है इसका मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मतलब कोई तो अनचाहा चीज वहां एक ब्रेस्ट में आ गया है तो दैट हैज गॉन डाउन। सिंपल है, बाहर जाके स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है, हम खुद का ही स्क्रीनिंग इनिशियली कर सकते हैं। करेंगे ये सिंपल चीज है, कुछ अलग लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन इमीजिएटली डू इट एंड आराम से आप घर पे कर सकते हो। महिमा चौधरी किसने नाम सुना है, महिमा चौधरी नाम सुना है, कौन है ये हीरोइन है, उसके लिए कुछ कमती था क्या जीवन में? बेसिकली मेनस्ट्रेशन हैपेंस यूट्रस में जो गादी है जो बच्चे के लिए बनाई हुई गादी है तो वो 26वें दिन, इट इज एक्चुअली रिजेक्टेड एट द 20-21 डेज, बट 26वें दिन वो बाहर निकालना शुरू कर देती है। वो कुछ और नहीं है सिर्फ गादी है। जो नया जन्म लेने वाला था तो वो वहां आया नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, वो गादी को बाहर निकाल रहे। दैट कैन हैपन ऑन द 22 डेज, 25 डेज, 26 डेज और 38 डेज। 20-30 डेज में नॉर्मल है लेकिन अगर 20-22 दिन के पहले आता है तो दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट्स अब नॉर्मल। और 30 दिन के बाद बहुत सारी बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए जिनको पीसीओएस पीसीओडी है, डिले पीरियड्स है, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उनको पीरियड्स आते हैं, सो दैट इज बैड। मतलब वो जो चीज बाहर डिटॉक्स करनी थी वो शरीर में रह गई है। कैन यू इमेजिन दैट टॉक्सिन विच इज सपोज टू बी आउट इन अ 1 month टाइम दैट इज देयर इन द बॉडी। और उसका चेकअप एक सिंपल आप कर सकते हो, आपको देखना है पीसीओएस पीसीओडी उस गर्ल को है कि नहीं, तो आपको